हनुमानगढ़ में जयपुर से कार में डोडा पोस्त की सप्लाई देने जिले में आए संचौर जिले के दो युवक अरावसर थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन दोनों सहित सप्लाई लेने वाले तस्कर को भी पुलिस ने दर्द दबोचा है। और वहीं दूसरी ओर इनके कब्जे से 6 थैलों में भरा 73 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पूछताछ का खुलासा हुआ कि तीनों जने वर्तमान में जयपुर में ही रावसर थाना क्षेत्र के ही एक गांव के युवक के कहने पर पोस्त की सप्लाई करने व बेचने का काम करते हैं। इस खुलासे के आधार पर पुलिस अब उक्त युवकों की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। पुलिस पकड़े गए तीनों युवकों से पूछताछ में जुटी हुई है। चलिए सुनाते हैं आपको कि जांच अधिकारी वेद प्रकाश रावसर थाना अधिकारी का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। अपने पुलिस स्टेशन रावसर में कल NDPS का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें श्रीमान SP साहब की DST टीम हनुमानगढ़ और DST नोहर उनके सहयोग से एक कार जिसके अंदर दो युवक सवार थे, सुरेश बिश्नोई और धोलाराम देवासी जो कि सांचौर के हैं, और एक जो रावतसर का इलाके का है आर्यन न्योलखी का, आर्यन जाट, ये जो कि मोटरसाइकिल पे था, इनके पास में कुल 73 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन पल्लू SHO को दी गई है। अपने रावतसर इलाके के अंदर ही हुई है, रावतसर थाना क्षेत्र के अंदर ही ये कार्रवाई हुई है। आगे जो इसका इन्वेस्टिगेशन है आज इनको कोर्ट में पेश करके पल्लू SHO के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।